स्वागत है। यस जी, आप असी हम लोग पटियाला से हैं, रंजीत सिंह मेरा नाम है, सिख सेवा फोर्स से हम लोग हैं। हमारी जो टीम है किसान वीरों के लिए, हम लोग जो डेली यूज होने वाली चीज़ें हैं वो जिस दिन से यहाँ पे धरना लगा है उस दिन से लेके आज तक लगातार सुबह से लेके सुबह के 4 बजे से लेके यानी कि रात के 11 बजे तक ये रूटीन में चीज़ें बांटी जाती हैं किसान वीरों के लिए टोटली फ्री। चाहे कोई हरियाणा का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, सबके लिए ये चीज़ें बांटी जाती है। हमारी जो टीम है रेगुलर 10 बंदों की चेंज होती रहती है, तो उसमें जो लोग आते हैं, कोई डॉक्टर्स आते हैं, एडवोकेट आते हैं, अभी जो श्री गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी के स्टाफ है जो ये आए हैं, ये सभी किसानों वीरों के लिए यहाँ पे आते हैं और उनकी सहायता के लिए आए हैं। सरताज सिंह बहादुरगढ़ से जी, हम भी पटियाला से भाई के साथ ही आए हैं, हम कल से यहाँ पे इनके साथ ड्यूटी दे रहे हैं। सभी हम जो जितने भी भाई हैं इकट्ठे होकर ये काम कर रहे हैं ताकि जो किसान भाइयों को किसी तरह भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। जी अपने बारे में। जी मैं बहादुरगढ़ से हरदेव सिंह, मैं भी किसान भाइयों के साथ सहयोग के लिए आया हूँ। मैं कल से यहीं पर बैठा हूँ, जो भी चीज़ हमारी ज़रूरतमंद होती है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। कोई भी आइटम किसी चीज़ की कोई डिमांड करता है तो हम उसको अरेंज करके रखते हैं कि किसी को कल को कोई दिक्कत ना हो। इसी जी अपने बारे में बताइए। मैं बहादुरगढ़ से जसविंदर पाल सिंह आया हूँ। जो किसानों की रैली चल रही है इसके संबंध में हम यहाँ पे लंगर लगाया हुआ है, जो बुरशों का है, साबुन का है, उसके लिए हम पहुँचे हैं। जो भी किसान भाई हैं उनके लिए है ये। क्या करते हैं? ब्रदर मैं जॉब करता श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ड यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहब विखे। असी सारे इतने पटियाले डिस्ट्रिक्ट नूं बिलोंग करते हैं, तो असी सारे इतने किसान भरावां दी उन्हां दी सहूलतां वास्ते तां कि इह जिहड़ा संघर्ष है काफ़ी लंबे समय तो चल रहा है कि तां कि इन्हां नूं इस संघर्ष दे विच कुछ किसी भी तरह की दिक्कत परेशानियां सामना ना कर। कौन कौन अरेंज कर रहा है इस दे विच? हांजी सॉरी, ये कैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं आप? ये सब साडा मतलब संगतां दे संयोग नाल, साडे भरावां दे संयोग नाल सारा कुछ कर रहे हैं जी। तुसीं वेखो किन्नियां आइटम जिहड़ियां असीं डेली नीड्स ने सवेर तो लैके जिहड़े शाम तक, लंगरां तों इलावा जिहड़ा इन्हां चीज़ां दी जरूरत है जिहदे विच कोलगेट पेस्ट, साबण, नहाउण वाला बुरश, मास्क, सैनीटाइजर, साडियां मातावां भैणां पहुंचियां ने उन्हां वास्ते वैसपर वगैरह, वाटर वगैरह, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं जी असीं ताकि दिक्कत सामना कर। कल फिर से बातचीत है, क्या उम्मीद है आपको? देखो उम्मीद तो है हमें, हम भी पूरे सबर और पीसफुली बैठे हैं, जंग जीत के ही जाएंगे। पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, देश पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो नेता हैं वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कोई लोकल प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये ग्लोबल प्रोटेस्ट हो चुका, क्या कहेंगे इस बारे में? ग्लोबल प्रोटेस्ट हो गए, इसके बारे में हम एक ही बात कहनी चाहेंगे, अभी अब हम आए हैं तो हम जीत के ही जाएंगे, ये मोर्चा फतेह होगा जी, कल का ये मोर्चा फतेह होगा। देखो जी यह उम्मीद कि असी तो मतलब 100% जित दे निश्चय नाल इत्थे आए हुए हैं जी। मोदी के मन च एक पहला भी सॉरी मैं कहना चाहुंदा भी लालू प्रसाद यादव सी, उन्हां दे मन च एक पहला बहुत वड्डा वहम पाला गया सी कि जिन्ना टाइम समोसे विच आलू रहेगा उदों तक बिहार विच लालू रहेगा। मैं इस दिन नसीहत दिंदा हुआ मोदी जी नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं अपनी इह जिहड़ा तुहाडे सरिया फसिया होया कढो ते साडियां मन्नां नूं मंगो तां कि असीं पीसफुली अपने घर जा सकीए। सरकार का कोई मंत्री ये नहीं कह रहा कि ये प्रोटेस्ट सही हो रहा है, क्यों? ये आप देखो ना, ये जितना हजूम है यहाँ पे, जितने लोग पंजाब से, हरियाणा से, पूरे देश से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये आपको क्या लगता है कि सरकार सही है कि गलत है? जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको भी इतना आप घूम रहे हो, आपको भी पता होना चाहिए भी ये लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में, आज तो मेरे ख्याल में करोड़ों की तादाद में हो गया, कई किलोमीटर लंबी लाइन है आगे तक यहाँ से। देखो जी ये तो असं 6-6 महीनों के साल साल वास्ते मतलब राशन लैके इतने आए हुए हैं। ये जेडे तुसी गल कह रहे हो कि मंत्री कह रहे हैं कि यह सारा कुछ गलत है, उन्होंने ये तो पुछ के वेखो कि एक एकड़ बीज कितना पैंदा। सरकार कह रही है जितना भी यहाँ सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो फंडेड है, खालिस्तानी कह रहे हैं कोई फंडेड नहीं है, ये सब असं अपना सहयोग लैके आए हुए हैं। मैं तुम्हें दसदा आ साडा बैनर है, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਹੋਤਾ ਜਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋ? ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਏਕ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਸਟੇਟ ਸਭੀ ਏਕ ਹੈ, ਤੋ ਕਾਨੂੰਨ ਏਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਸਹੀ ਸਭਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਚਣ ਦਾ
की कह रहे हैं भी जिन्हिया इतने सारे सिख जथेबंदियां ने वो खालिस्तान बनाना चाहदिया ने निहंग सिंह जथेबंदियां पहुंचिया ने। चलो ठीक है, पंजाब के लोग तो खालिस्तान बनाने आए हैं तो गुजरात के लोग की करना आए। नैशनल मीडिया पंजाब के यूथ को नशेड़ी बताकर इस प्रोटेस्ट को खराब करना चाह रही है, क्या कहेंगे सर? आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं, आपको कितने नशेड़ी लग रहे हैं यहाँ पे? तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं है, सब प्रोटेस्ट पीसफुली, सब एकदम शानदार है भाई। यहाँ तो यूथ जोश से आया है, अपने हक लेने आया है। यूथ के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वाले प्रोटेस्ट में है नहीं, लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में यूथ है। नहीं सर, यूथ तो हमारे कह लो कम्युनिटी में अब जो बता रहे हैं नशे में पड़ जाते हैं, हम नशे में आपको दिख रहे हैं, हम इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, नशे में थोड़ी हैं। ये तो मीडिया दिखा रहा है जो कह लो बिका हुआ है, जैसे कि जी टी वी हो गया या आज तक हो गया, वो दिखा रहे हैं यूथ वैसे नशेड़ी नहीं आई। नेशनल मीडिया को नेशनल मीडिया हमने बनाया, लेकिन आज वो इस हमारे साथ नहीं खड़ा है, कैसा लगता है ऐसे समय? नहीं, वो तो उनकी सोच है, खड़ा है या नहीं खड़ा हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो कुछ उम्मीद है नेशनल मीडिया से, वो सच की आवाज़ उठाएं। आप भी तो मीडिया के सदस्य हो, हम सोशल मीडिया में हैं। सोशल मीडिया मेरे हिसाब से सोशल मीडिया आपको वह पूरा सपोर्ट कर रही है। रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं उनसे भी, हमारे हक की आवाज़ उठाएं, वो सच्चाई के साथ खड़े, कम से कम सच्चाई दिखाएं। जो सूबे के बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में बीजेपी के, वो सब ये कह रहे हैं कि प्रायोजित है, प्री प्लान है, ये विपक्षियों का प्रोटेस्ट है, लेकिन यहाँ कोई नेता है ही नहीं। दरअसल में तो खट्टर साहब दे रहे थे हरियाणा के CM, उनको अपनी स्टेट की यहाँ तो जानकारी नहीं, हरियाणा के कितने आ रहे हैं, लंगर भी लगा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा के किसान यहाँ मौजूद हैं, और अब ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है किसानों का नहीं रहा, इसमें व्यापारी भी शामिल हैं, इसमें हर वर्ग आ गया, क्या कहें? मजदूर भी आते हैं, आड़ती भी आते हैं, किसान भी आते हैं, इसमें हर एक व्यापारी है, इसमें सबको दुख है तभी आ रहे हैं। देश का हर आदमी वो किसान के नाल जुड़िया हुआ है, चाहे वह व्यापारी है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे बिजनेसमैन है, तो जे किसानी खत्म होगी तो इसका इफेक्ट सारी वर्ल्ड के उत्ते पाएगा, इस करके सारे लोग किसानी नूं सपोर्ट कर रहे हैं जी। कहाँ से? प्रधान रे भाई, पंजाब से। मैं हरियाणा से। हरियाणा से कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट है पंजाब वालों का केवल? हाँ, मीडिया बता रही है, समझ में नहीं के को हो। ये मीडिया के लिए हम लोग लाए हैं बढ़िया मास्क, क्योंकि वो पब्लिक में रहते हैं ना हर टाइम, सैनिटाइजर भी आपके लिए। देखिए ये N95 मास्क और ये सैनिटाइजर हमें कवरेज के दौरान जो वॉलंटियर्स हैं इस प्रोटेस्ट में जो लगातार काम कर रहे हैं रात दिन, वो हमें दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू। और दिल्ली लाइव न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, और ये वीडियो बहुत जल्दी तक अपलोड हो जाएगी।